hello everyone uh, let's continue our chapter metals and nonmetals. till now we have studied the physical and chemical properties of metals and nonmetals today we will study the occurrence of metals and what does this mean so we find the metals in the Earth's crust and we also find metals in the sea earth crust page essay Potassium, sodium, iron and so on. sea level peaming, sodium chloride, common salt, and magnesium chloride and so on. A age of metals earth may say sea They are not like as it is. Wo pure form. So they are found in three ways. The first one some metals are found in a free state. Remember. They are also known as they are found in the native form. अब ये कि कौन से मेटल हैं जो native form में मिलते हैं? Like you can say silver and gold. ठीक है? Silver और gold free state में मिलते हैं. Why silver and gold are found in the native form? Because they are least reactive. क्योंकि ये बहुत ही least reactive है. React नहीं करते किसी के साथ. जब react नहीं करेंगे किसी के साथ, तो ना तो कंपाउंड बनाएंगे ना ही ऑक्साइड्स बनाएंगे ना ही कार्बोनेट्स बनाएंगे ना ही सनफाइट्स बनाएंगे एज इट इज मिलेंगे ठीक है और सेकेंड हमें मिलते हैं मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है तो ये मेटल्स क्या करते हैं किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स बना लेते हैं और उसी कंपाउंड के फॉर्म में वी गेट देम फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एंड थर्डली वी गेट दीज मेटल्स इन द फॉर्म्स ऑफ ऑक्साइड्स and we also find them in the forms of sulfides and carbonates, ठीक है तो ये जो मेटल हम निकालेंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे अर्थ से ये हमें इन थ्री फॉर्म्स में मिलते हैं फ्री स्टेट में दो ही मिलते हैं क्यों मिलते हैं ये फ्री स्टेट में ये हमें पता है ठीक है ये कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं मेटल्स और हमें मेटल्स आल्सो फाउंड फाउंडेड ऑक्साइड सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स के फॉर्म में ठीक है चलो बिफोर वी गो वी स्टडी दिटेलर्जी मेटलर्जी साइंटिफिक प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड माई वेरियस प्रोसेस फ्रॉम इट्स ओर्स और किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना विद वेरियस प्रोसेस मतलब इन मेटल्स को अर्थ क्रस्ट में से निकालने को मेटलर्जी कहते हैं और हर एक मेटल को निकालने का अलग प्रोसेस होता है ठीक है सेकेंड थिंग यू शुड नो इज वॉट यू मीन मिनरल्स मिनरल अब एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स मतलब जो भी अर्थ क्रस्ट में नेचुरली जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं एलिमेंट्स मतलब क्या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंपाउंड मतलब क्या मेटल्स किसी के साथ भी रिएक्ट करके कोई भी कंपाउंड बनाएंगे है ना? तो उसको कहते हैं मिनरल थर्ड थिंग यू शुड नो इज ओर्स एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ मेटल एंड इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली फ्रॉम इट दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ठीक है अब मिनरल्स तो हमें पता है जैसे मान लो ये एक मिनरल है एक आयरन का आयरन है इसमें आयरन के अलावा आयरन के आयरन कंपाउंड भी बना सकता है है ना आयरन किसी और मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके कोई भी कंपाउंड बना सकता है एलोंग विथ द कंपाउंड इसमें इम्प्योरिटीज़ भी होंगी तो इसको मिनरल्स कह देते हैं इम्प्योरिटीज के साथ कंपाउंड्स हैं आयरन के अब और क्या है और है मान लो ये एक मिनरल है इस मिनरल में जो कंसंट्रेशन है आयरन का वो बहुत ज्यादा है मतलब आयरन बहुत ज़्यादा है इस मिनरल में और इसके अलावा इसमें जो इम्प्योरिटीज हैं वो बहुत कम है इसको कह देंगे और किसी भी मिनरल में किसी मेटल का परसेंटेज अगर बहुत ज़्यादा है ठीक है तो उसको कहते हैं ओढ़ सिर्फ परसेंटेज हाई नहीं होना चाहिए मेटल का उसको जो एक्सट्रैक्ट करना है अर्थ में से जिस प्रोसेस से निकालना है वो प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए इसका क्या मतलब हुआ चलो यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन सोडियम क्लोराइड और मेरे पास है एन मेरे पास ये दो ओर हैं मतलब इन दोनों ओर में सोडियम जो है वो लार्ज अमाउंट में है और क्लोरीन कम है यहाँ पे एसओ फोर कम है ठीक है लेकिन सोडियम ज़्यादा है तो इसलिए ये ओर है किसका ओर है सोडियम का ओर है तो ये तो मुझे पता लग गया कि ये ओर है क्यूं? क्यों क्योंकि इसमें सोडियम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट्स कंपाउंड लाइक क्लोरीन कम है और यहाँ एस कम है और इम्प्योरिटीज भी कम है लेकिन इसको निकालना भी प्रॉफिटेबली होना चाहिए मान लो इसको निकालने के लिए आई नीड फाइव डेज और इसको निकालने के लिए आई नीड ट्वेंटी डेज इसको निकालने के लिए आई नीड वन लैख रुपी एंड फॉर दिस आई नीड फाइव लैख रुपी तो कौन सा प्रॉफिटेबल हुआ ऑब्वियसली एन ए सी एल ठीक है ना सिर्फ और मिलना ही एक सोडियम का मिलना ही जरूरी नहीं है उसको प्रॉफिटेबली भी निकालना आना चाहिए तभी हम उस मिनरल को और कहेंगे ठीक है सो हियर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओर्स लाइक फॉर रॉक सॉल्ट में से हमें क्या मिलता है सोडियम बॉक्साइड में से बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम सिनाबार इज अ ओर ऑफ मर्कुरी ठीक है कुछ एग्जांपल्स याद रखो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज गैंग स्पेलिंग इज समर्ट लाइक दिस बट द प्रोनाशियशन इज गैंग अब गैंग क्या है अब देखो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई ओर है जैसे मैंने अभी भी बोला मान लो ये आयरन का ओर है तो इस आयरन के अलावा इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज भी होती हैं इम्प्योरिटीज किसी भी फॉर्म में हो सकती है इट कैन बी सॉइल है ना इट कैन बी सैंड और एनीथिंग एल्स तो ये जो इंप्योरिटीज है किसी एक और के अंदर उसी को कहते हैं गैंग ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ यूजली कंटेन्स मेनी इंप्योरिटीज सच ए सॉइल सैंड आर नोन गैंग याद रहेगा ओके लेट्स मूव ऑन अच्छा अब हमें पता लग गया कि ओर में से हमें अब मेटल निकालना है तो इसको कहते हैं मेटलर्जी है ना अर्थ में से मेटल्स को निकालने को कहते हैं मेटलर्जी और इसके थ्री स्टेप्स हैं द फर्स्ट वन इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स सेकेंड इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स थर्ड वन इज द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स ठीक है तो हमें ये फर्स्ट जो कंसनट्रेशन ऑफ ओर्स है इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है बट यू शुड नो वॉट डू यू मीन बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स तो यहाँ हम पहला स्टेप पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है तो इन दिस मेथड इम्प्योरिटीज एलोंग विद ओर आर रिमूव्ड, विच इंक्रीजेस द कंसेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब किसी भी ओर में से गैंग को अलग करने के प्रोसेस को मतलब जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको अलग करने के प्रोसेस को हम कहते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स, या फिर वी ऑल्सो कॉल इट एज ड्रेसिंग ऑफ और ठीक है ओके okay. अब ओर में से गैंग को अलग करना इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ओर्स ठीक है आयरन के ओर के लिए अलग प्रोसेस होगा सोडियम के ओर के लिए अलग प्रोसेस होगा तो कैसे कैसे यू कैन से डेट विच प्रोसेस टू फॉलो है ना तो ये जो प्रोसेस है यूज ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंसेंट्रेशन ऑफ ओर में प्रोसेस कौन सा यूज करें डेट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी गैंग एंड ओर की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका डिफरेंस पे बेस्ड होता है प्रोसेस ठीक है द प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द गैंग एंड द ओर। अब जैसे मान लोगा मेरे पास आयरन का ओर है तो आई कैन यूज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रोसेस की मैग्नेट ले हो पास में तो आयरन तो आराम से मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा है ना तो इम्प्योरिटी uh, से नीचे रह जाएंगी तो इस तरह किस पे uh, हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ आयरन के बेस पर हमने उसको इम्प्योरिटीज से अलग कर दिया तो इस तरह हर एक मेटल के लिए अलग प्रोसेस होता है कंसंट्रेशन के लिए ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप द सेकेंड स्टेप इन मेटलॉजी इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मतलब आप ओर में से उस मेटल को अलग कैसे करोगे ठीक अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फॉर एक्सट्रैक्शन मेटल्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स ठीक है हमने थ्री कैटेगरीज में डिफाइन किया है एक तो हाईली जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस अलग है देन मेटल्स जो मीडियम रिएक्टिविटी जो मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं वो ये वाले मेटल्स हैं ठीक है जिंक आयरन लेंड कॉपर हाईली रिएक्टिव कौन से थे पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एलुमियम दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्टिविटी में जो आते हैं वो है मरकुरिंग सिल्वर एंड गोल्ड अब ये जो सिल्वर एंड गोल्ड ये तो लीस्ट रिएक्टिव है ये तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं किसी के साथ तो इसलिए जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं अभी हमने ऊपर पढ़ा दे आर फाउंड फ्री स्टेट तो ये फ्री स्टेट में ही मिलते हैं ये एज इट इज प्योर फॉर्म में मिलते हैं इनको एक्सट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं होती है मतलब इसको एक्स्ट्रैक्ट uh, करके प्योरीफाई करने के कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हाईली रिएक्टिंग जो मेटल्स होते हैं उनको कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो करते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट ऑफ द ओर तो जिस जो भी ओर है आपके पास हाईली रिएक्टिव मेटल का यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है सोडियम क्लोराइड देखो सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है ठीक है तो इसका जो ओर है NaCl इसको हम मोल्टन स्टेट में यूज करेंगे सल्यूशन स्टेट में नहीं अगर आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रोलिस ऑफ एन किया है जिसमें हमने इसको सल्यूशन फॉर्म में लिया था तो हमें क्या मिला था उसमें एन ए ओ एच याद है ठीक है इसलिए हमें ये नहीं करना है हमें उसको मोल्टन स्टेट में लेना है ठीक है एक बार मोल्टन स्टेट में ले लिया फिर हमें उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है एंड देन वी विल ऑप्टेन मेटल एट द कैथोड एंड तो ये क्या प्रोसेस है चलो देख लेते हैं हमें पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में अभी हमने कहा कि हमें मोल्टन स्टेट में लेना है क्या और तो इसमें हमें दो लेने होंगे इलेक्ट्रोन तो पॉजिटिव एंड को हम इसको जोड़ देते हैं पॉजिटिव एंड के साथ ठीक है और दूसरे एंड को हम जोड़ देंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ तो जो नेगेटिव टर्मिनल वाला है मान लो यहाँ पे एक ये है इलेक्ट्रोड और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड है जो नेगेटिव एंड वाला इलेक्ट्रोड होता है वी और पॉजिटिव एंड की साइड पे जो होता है डेट इज नोन एज एनोड। एन ठीक है ओके अब इसमें हमने क्या लिया है इसमें हमने लिया है बोल्टन स्टेट में रिमेंबर

दिस विल गेट ये जो सोडियम है ये क्या होगा ये इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा कैथोड एंड पे. ठीक है देखो ये पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव एंड पे कैथोड पे ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और हेन्स यूलियम मेटिल यहां पे कहाथोड दिस इज वॉट वी रेट रोड मेटल इज ऑप्टेन एट द केथोड एड और एनोडेंट पे हमें क्या मिलेगा वी विल गेट क्लोरीन गैस लिबरेटेड ठीक है क्या मिल गया हमें क्लोरिन गैसेज लिबरेटेड तो यहाँ पे क्या हुआ चलो देख लेते हैं इक्वेशन एक 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 के फॉर्म में NaCl जो कि सॉलिड फॉर्म में था आपने क्या किया उसको यू इट है ना मेन्टिंग किया उसका तो हमें क्या मिल गया हमें मिल गया NaCl इन लिक्विड फॉर्म फिर क्या किया वी पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट मोल्टन स्टेट में हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया एंडल और क्लोरिन गैस क्या हो गई लिबरेट हो गई कैन से डेट कैथोड एंड पे हो गया N a plus it lost one electron, and what happened? N a. This happened at cathode end. And chlorine at anode end, we got chlorine gas. So two Cl minus chlorine two it gained two electron. So here two. Ho. So this was. This is how you extract highly reactive metals. पर यहाँ पे जो भी मेटल को आप एक्सट्रैक्ट करोगे उसका और किस फॉर्म में होना चाहिए बी इन द मोल्टन फॉर्म एंड देन मेटल इज कलेक्टेड एट विच एंड एट कैथोड एंड डन ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स अभी तो हमने पढ़ा जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे उनको हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से एक्स्ट्रैक्ट uh, करते हैं अब जो मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं मीडियम राइट इन बिटवीन जो बीच की हमने पढ़ी ना रिएक्टिविटी सीनी जो बीच के मेटल्स हैं वो कैसे हम इनको कैसे हम हाँ? एक्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे पहले देखो ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये हमेशा हमें ऑक्साइड्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं क्रस्ट पे ठीक है और यहाँ पे याद रखो ये जो मेटल्स हैं दे आर ईजियर टू ऑप्टेन फ्रॉम इट ऑक्साइड्स एज कंपेयर टू सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मतलब कोई भी अगर मेटल है वो अगर अपने ऑक्साइड के फॉर्म में है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है ये बात याद रखो कि ऑक्साइड के फॉर्म में जो मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है एज कंपेयर टू सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स

तो यहां पे दो चीजें याद रखनी है कौन सी कि जो मेटल्स हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो थ्री फॉर्म में मिलते हैं ऑक्साइड्स सल्फाइड्स कार्बोनेट्स ठीक है और ऑक्साइड्स के जो ओर्स हैं ईजियर इट इज ईजियर टू ऑप्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स एज कंपेयर टू सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स तो चलो यहाँ आराम से एक फ्लो चार्ट के हिसाब से पढ़ेंगे हमारे पास कोई ओर है ठीक है अगर तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में है तो वेल्डन तो कोई टेंशन ही नहीं है ऑक्साइड से हमें मेटल आराम से निकाल लेंगे। लेकिन हमें पता है कि वी ना सल्फाइड के फॉर्म में भी मिलते हैं हमें कार्बोनेट्स के फॉर्म में भी मिलते हैं ओर्स ओके तो जब हमारे पास सल्फाइड के फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे हम इन सल्फाइड ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देंगे और जो कार्बोनेट्स है उनको भी हम ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे क्यों कर देंगे ठीक है तो जब हम सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसको कहते हैं रोस्टिंग क्या कहते हैं उसको रोस्टिंग अब जब कार्बोनेट्स को ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन फाइन अब ये क्या है कैल्सीनेशन क्या है और ये रोस्टिंग क्या है तो जब भी आप सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड ओर्स में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिमेम्बर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग समझ में आया ओके okay. और जब आप कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड्स ओर में और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तब उस प्रोसेस को कहते हैं कैलसीनेशन ठीक है दिस इज व्हाट इट्स रिटर्न

क्योंकि इट्स इजी टू गेट मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड्स है ना तो यहाँ पे हम इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें क्या मिल जाएगा हमें ZnO जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा प्लस SO2 तो ये क्या किया हमने ये हमने किया रोस्टिंग हमने उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया है हमें देखो ऑक्साइड फॉर्म मिल गया हेलो जिंक सल्फेट को हमने कन्वर्ट कर दिया जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में चलो एक कैल्सिनेशन का एग्जांपल देख लेते हैं कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो हमें क्या मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब देखो फिर से हमें यहाँ पे क्या मिला जिंक ऑक्साइड मिल गया कहाँ से कार्बोनेट से तो अब जिंक ऑक्साइड ऑक्साइड से अब लेना आसान है तो अब क्या करेंगे हम अब हम इन ऑक्साइड्स में से मेटल को आराम से निकाल लेंगे कैसे लास्ट प्रोसेस है जैसे कि आपको ये जिंक ऑक्साइड ऑक्साइड फॉर्म में मिल गया उसके बाद यू हीट दिस ऑक्साइड विद एनी रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है कार्बन और यहां पे आपको क्या मिल जाएगा मेटल ये हो गया आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कौन से मेटल्स का मोडरेटली रिएक्टिव मेटल ठीक है 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 अच्छा अब ये जो heating in the presence of carbon किया किया इसको इसको क्या कहते कहते हैं हैं क्योंकि ऑक्सीजन को आपने ना देखो यहां पे zinc, से आपको क्या मिला जिंक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे जिंक कार्बोनेट से आपको क्या मिला जिंक ऑक्साइड अब ये जो जिंक ऑक्साइड मिला है इससे हमें मेटल मिल गया कौन सा जिंक कैसे बाई यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन समझ में आ गया है ना ओके ना देखो अब अदर देन दिस रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन सी याद रखो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है हाईली रिएक्टिव मेटल्स है जैसे कि एल्यूमिनियम दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है जो ऑक्सीजन को हटा दे रिड्यूज करना हमने पढ़ा फर्स्ट लेसन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करेक्ट तो देखो यहां से ZN, से ऑक्सीजन गायब हो हो गया reduce गया रिड्यूस है ना रिडक्शन हुआ है यहाँ पे तो ये अदर देन कार्बन हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर मेटल्सो यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि एल्यूमोनियम यहां देखो मैंगनीज डाइऑक्साइड रिएक्टिंग रियक्टिंग विथ अलमोनियम यू विल गेट मैंगनीज और साथ में मिल गया ए एल ओ थ्री एलमोनियम ऑक्साइड अब लेकिन यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं आयरन ऑक्साइड को हमने एलमुनियम के साथ हीट किया वी गॉट आयरन ही अल्मोनीय ऑक्साइड मिल गया अब ये लार्ज अमाउंट ऑफ तो हीट मिली है यहाँ पे और इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो यूज टू रिड्यूज फ्रॉम इट्स ऑक्साइड और यहाँ पे एल्मोनियम को क्या है? हमने कैसे यूज किया है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर तो पे यूज किया ठीक है अब ये हाइली एक्सोथर्मिक है अब यहाँ पे क्या है? ये जो मेटल मिला है आपको मैंगनीज और आयरन का ये किस फॉर्म में मिला है ये आपको मोल्टन स्टेट में मिलेगा पिघले हुए फॉर्म में मिलेगा ये मेटल आपको और दिस uh, जो ये जो आयरन मिला ना यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में दिस इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैफ्ड मशीन पार्ट्स तो रेलवे पुराने टाइम में होता था अब तो ये यूज नहीं होता है मेथड क्योंकि आजकल तो इतनी हाई टेक्नोलॉजी आ रही है हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है तो उससे हम लोग कर लेते हैं लेकिन इन द ओल्डन डेज दिस मेथड वाज यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स और क्रैफ्ट मशीन पार्ट्स क्योंकि ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिक रिएक्शन ओके okay, तो अभी हमने दो मेथड पढ़े एक हाईली रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और मॉडरेटली रिएक्ट मेटल्स को मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अब पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स मतलब कुछ मेटल्स जो बहुत ही लो रिएक्टिव है एक तो दे आर वेरी अनरिएक्टिव किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं एंड देयर ऑक्साइड्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाई जस्ट हीटिंग एन ऐसे केस में क्या है मेटल्स को आपको डायरेक्टली आप उसको हीट कर दोगे आपको मेटल मिल जाएगा यहां पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने की जरूरत नहीं है मैं, प्रोसेस वही रहेगा प्रोसेस वही रहेगा कौन सा और, और हमें किस फॉर्म में मिलता है एक मिलता है वी गेटेड इन द ऑक्साइड फॉर्म दूसरा किस फॉर्म में मिलते हैं हमें सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स ठीक है हमें पता है कि ऑक्साइड्स से हमें मेटल मिलना ईजी होता है इट्स ईजी टू गेट मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड्स तो हम क्या करते हैं सल्फाइड्स को पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है तो कार्बोनेट्स को भी वी ट्राई टू कन्वर्टेड ऑक्साइड्स तो सल्फाइड्स को ऑक्साइड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं बाय रोस्टिंग मींस ईटिंग द मेटल सल्फाइड इनटू इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बोनेट्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए वी कॉल इट ए स्टैंसिनेशन की हीटिंग द मेटल कार्बोनेट इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वही प्रोसेस रहेगा जो हमने ऊपर पढ़ा है बस यहाँ पे एक बार आपके पास मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया तो यू हैव टू सिंपली हीट आपको यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने की जरूरत नहीं है कौन से मेटल्स के लिए लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए तो यहां पे फिर आपको वॉट यू विल गेट यू विल गेट अ मेटल यहां देखो एग्जाम्पल हियर यू गेट आई राइट इट हियर मरकुरी सल्फेट है ना मरकुरी सल्फेट को हमें क्या करना है पहले देखो सल्फेट है तो इसको रोस्टिंग करनी पड़ेगी ऑक्साइड निकालने के लिए ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो वी विल इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी विल गेट हियर मरकुरी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड बैलेंस कर लो इक्वेशन को अब ये जो है आपके पास मरकुरी ऑक्साइड जो मिल गया है इसको क्या करेंगे हम इसको सिंपली वी विल हीट इट और हीट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा मर्कुरी मेटल मिल जाएगा एंड ऑक्सीजन गैस विल विल ब्रेक इट सेम थिंग इट्स गिवन फॉर कॉपर ठीक है तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको आप सिंपली ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करके उसको फिर हीट कर देंगे यही डिफरेंस है डोंट फॉरगेट दिस And here, one of the most important points, some inert or less reactive metals such as silver and gold, platinum, etc, are found in free or in native state. free and native state because they do not react with uh, any uh, like oxygen, sulfur or any with anything else. There is no need to extract them. extraction. Inko process as it is pure form. Okay. Now the next step in the extraction of metals is uh, the refining of metals. Now, what happens in refining of metal is the metals obtained by various reduction methods are not very pure. They still contain impurities which must be obtained to get a pure metal. Means in the above uh, process during the extraction of metals we know how from oxides we got the metals right so from these oxides when we get these metals they still get impurities in it so removing those impurities and getting this metal as a pure form that is known as refining there are many methods of refining metals but most widely used one is the electrolytic refining Now we विल सी एन example. ओके okay, instead एन डी we will वी विल refine. टू रिफाइन वी विल लर्न द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग कॉपर मेटल ठीक है तो टू इलेक्ट्रोड्स ठीक है हम दो इलेक्ट्रोड्स ले लेंगे uh, एक स्ट्रिप लेंगे अ लिटिल थिंको वन ऑफ एन इम्प्योर मेटल तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि कॉपर uh, मेटल को रिफाइन कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे इन प्योर कॉपर ठीक है और दूसरी एक थिन स्ट्रिप लेंगे प्योर मेटल की तो हियर वी विल टेक प्योर कॉपर मेटल ठीक है तो ये जो इम मेटल है वी विल टेक इट एज एन एनोड और ये जो प्योर स्ट्रिप है वी विल टेक इट एज कैथोड और इसको हम किसके साथ कनेक्ट कर देंगे बैटरी के साथ ओके नाउ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आप किस चीज का यूज करोगे क्योंकि हम कॉपर को कर रहे हैं तो वी विल टेक इट एज सी यू एस ओ फोर दिस विल बी टेकन एज ए इलेक्ट्रोलाइट सल्यूशन तो एज यू विल पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा यहां से इम्प्योर मेटल से जो कॉपर मेटल होगा जो प्योर कॉपर होगा वो क्या होने लग जाएगा वो डिजोल्व होने लग जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में एंड पॉजिटिवली चार्ज ये क्या हो जाएगा आपको पता है जो ऑपोजिट चार्जेस अदर तो ये जो प्योर मेटल है पॉजिटिव इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड और ये प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा इस प्योर स्ट्रिप कैथोड के ऊपर यहाँ से कॉपर निकल के कहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड स्ट्रिप और जितनी भी इंप्योरिटीज होंगी डेट विल सेटल डाउन बिलो हियर यहां पे बाकी पूरी इंप्योरिटी प्योर मेटल तो वहां पर डिपॉजिट हो गया तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो कलेक्ट हो जाएंगी बेस पे एंड इम्प्योरिटीज आर नोन एज एनोड मड ओके सो दिस इज हाउ द मेटल्स आर रिफाइंड टू देयर प्योर फॉर्म क्लियर Up next part of the chapter is corrosion. This we have already done in the first chapter. Let's do a, a little bit of revision. The surface of some metals such as iron is corroded when they are exposed to moist air for a long period of time. This phenomenon is known as corrosion. देखो iron jo hai, agar aapke koi bhi iron it will come in contact with what एयर एंड मोइस्टियर है ना मॉइस्टियर तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है आपने देखी होगी ब्राउन कलर की जिसे हम कहते हैं रस्टी रस्ट Rust होगी है वो चीज़ तो उसी को कहते हैं करोशन अब कुछ चीजें हमने पढ़ी हैं प्रीवियसली डेट सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम एन एक्सपोज टू एयर अब आपके देखो सिल्वर के बहुत सारे आपके घर में आपके यूटेंसिल्स होंगे या फिर आपकी ज्वेलरी होगी उसके ऊपर एक ना ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है कोटिंग ऑफ सल्फाइड ये आपके पास सिल्वर का कोई ज्वेलरी है या यूटेंसिल्स है जब वो मोइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करेगा एयर के अंदर वो सल्फर के साथ जब रियक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म विल्वर सल्फाइड वो जो ब्लैक कोटिंग है दिस इज नथिंग बट सिल्वर सल्फाइड नेक्स्ट कॉपर रिएक्ट्स विद मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड स्लोली इट्स शाइनी स्टोली अब कॉपर बहुत शाइनी होता है पर आप इसको अगर ओपन में रखोगे तो उसकी शाइनिंग लेयर चली जाएगी और उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का एक कोटिंग आ जाएगी एंड डेट ग्रीन कलर कोटिंग इज नथिंग बट दिस इज कॉपर कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट की लेयर आ जाती है ग्रीन कलर की उसके ठीक है ना आयरन वेन एक्सपोज टू वोस्ट एयर अब अब आयरन है उसको बहुत देर तक बाहर रखो तो उसको जंग लग जाती है ना जंग जिसे कहते हैं हम तो उसके ऊपर एक कोटिंग लग जाती है जिसे हम कहते हैं क्या रस्ट रस्टिंग हो गई ब्राउन कलर का हो जाता है ओके okay, अब ये जो हो रहा है करोड़ हो रहे हैं ये मेटल्स मेटल्स क्या हो रहे हैं खराब हो रहे हैं तो हाउ कैन यू प्रिवेंट देम देस आर सम प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक पेंटिंग ऑयलिंग ग्रीजी ये तो बहुत ही बेसिक है है ना अगर मेरे पास एक मेटल है इसको मैं ये ऑक्सी इसके ऊपर एयर लग रही है वो उसके साथ रिएक्ट करके करोड़ करोड़ों कराएगा तो उसके ऊपर अगर मैं पेंट कर दूँ तो क्या होगा मेटल और एयर के बीच में एक लेयर आ गई तो वो एयर जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी तो वो करोड़ होने से बच जाएगा सिमिलरली ऑयलिंग कर दो ग्रीसिंग कर दो तो दिस वे यू कैन प्रोटेक्ट द मेटल बाय टू रिएक्टिंग विद द एयर अब नेक्स्ट मेथड एक गैल्बनाइजिंग है जो आपको पढ़ना है अदर देन दस

तो हम क्या करते हैं एक स्टील मेटल को या आयरन मेटल के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ किसकी चढ़ा देंगे जिंक की चढ़ा देंगे मान लो ये मेरे पास आयरन है इसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ जिंक की अगर मैं लगा दू तो क्या होगा इट विल प्रोटेक्ट दिस आयरन फ्रॉम गेटिंग अरेस्टेड ठीक है द्ञानमंडा इस आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकर अच्छा मान लो ये जिंक की लेयर जो मैंने इसके ऊपर लगाई है ये टूट भी जाए तो भी ये आयरन मेटल जो है ये करोड़ नहीं होगा ये प्रोटेक्ट होता रहेगा क्यों क्योंकि देखो जिंक की अगर एक लेयर जरासी टूट भी गई है तो ये जो जिंक है ये इट इज मोर रिएक्टिव ये जो मोर रिएक्टिव है किससे मोर रिएक्टिव देन आयरन तो अगर यहाँ से लेयर टूट भी गई है स्टिल तो वहां पे कुछ आयरन ये जिंक की लेयर अगर यहाँ टूट भी गई है तो यहाँ पे जिंक है अभी और तो जैसे ही ऑक्सीजन इस आयरन के साथ अंदर वाले आयरन के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा तो ऊपर थोड़ा बहुत जिंक जो है इट विल इमीडिएटली रिएक्ट विद दिस ऑक्सीजन तो इस आयरन को वो रिएक्ट करने ही नहीं देगा ऑक्सीजन के साथ जिंक इतना रिएक्टिव है कि वो जल्दी इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और इस आयरन को वो बचा लेता है ओके सो द नेक्स्ट मैथड इज दैट इज एन वॉट इज एलोए एलोए इज अस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड अ नॉन मेटल देखो अगर आप दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स कर दो या फिर एक मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके एक मिक्सचर में बना दो तो उस जो उसके बाद आपको जो मिलेगा डेट इज कॉल्ड एलोए आयरन जो है अब सबसे ज़्यादा यूजफुल जो मटीरियल है जो आप यूज करते हो वो है आयरन इट इज़ नेवर यूज इन इट्स प्योर फॉर्म क्यों बिकॉज इट्स वेरी सॉफ्ट इन द प्योर फॉर्म इतनी ईजिली इसको आप हीट करोगे ना इसको बहुत ईजीली आप स्ट्रेच कर सकते हो तो क्या होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं उसमें कार्बन ऐड करते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कितना पॉइंट ज़ीरो फाइव तो जैसे ही आपने आयरन में कॉप कार्बन को ऐड किया बहुत ही स्मॉल अमाउंट में तो वो आयरन जो है वो जो बहुत सॉफ्ट था जिसको गर्म करने से वो इजीली बहुत स्ट्रेच हो जाता है वो क्या बन जाएगा वो हार्ड हो गया तो देखो इस आयरन की प्रॉपर्टी कितनी चेंज हो गई जस्ट बाय एडिंग कार्बन टू इट इसी तरह निकल क्रोम इनको मिक्स करने से हमें क्या मिला वी गेट एलॉय स्टील जो कि बहुत ही हार्ड होता है और रस्ट फ्री है उसको रस्ट ही नहीं लगता है आपकी बुक में अब एक एग्जाम्पल है गोल्ड का जो प्योर गोल्ड होता है ना वो ट्वेंटी फोर कैरेट का होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है इतना सॉफ्ट होता है कि यू कान मेक इट ज्वेलरी ऑफ क्योंकि वो टूटता है टूट जाएगा वो इतना सॉफ्ट और इतना प्योर गोल्ड अगर आप यूज करोगे वो टूटता रहता है तो इसको इधर गोल्ड को जो है हम इधर उसके अंदर सिल्वर ऐड करते हैं या फिर उसमें हम कॉपर ऐड करते हैं तो सिल्वर या कॉपर दोनों को ऐड करने से गोल्ड क्या हो जाता है हार्ड हो जाता है तो इंडिया में 22 कैरेट जो है देन गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ornaments अब 22 कैरेट का मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ जो 22 पार्ट अगर आपके कोई ज्वेलरी है उस ज्वेलरी में 22 पार्ट जो है वो तो प्योर गोल्ड का है अब बाकी के जो दो पार्ट से वो किस चीज के ईदर कॉपर और सिल्वर ओके तो एलॉयज में क्या होता है कि मेटल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती है डिजायरल प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है तो हियर आर सम यू शुड व एज एन एग्जांपल लाइक एमलगम, इट्स एन एलॉय व्हेन अ मेटल इज मिक्स्ड विद एनी मेटल व्हेन मिक्स्ड विद मार्कुरी ब्रास इज एन एलॉय कॉपर एंड जिंक इज मज इज एन एलॉय कॉपर एंड टिन इज मिक्सड इज इज अलॉय लेड अब देखो पे ब्रास और ब्रॉन्स जो है आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जबकि कॉपर जो है बहुत ही अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो देखो कैसे मिक्स करने से एक कॉपर की एक मेटल की प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई ठीक है अब ऐसे ही सोल्डर देखो ये जो नेट है ये बहुत स्ट्रांग मेटल है लेकिन सोल्डर क्या होता है आप सोल्डरिंग करते हो ना आप देखते हो ना इलेक्ट्रिशियन कैसे सोल्डर करके सर्किट्स को ज्वाइन करते हैं तो सोल्डर इतना ज्यादा इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है कि वो ईजिली मेल्ट हो जाता है जबकि लेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है तो इस तरह यू कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय एडिंग इट विद एनदर मेटल्स और नॉन मेटल्स ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर एंड गो थ्रू द चैप्टर एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू ऑल द एक्टिविटीज ऑफ दिस चैप्टर एंड डोंट फोरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बाय